कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है, जिनमें उन्होंने कहा था कि रानी कमलापति को कोई नहीं जानता। भाजपा जबरदस्ती ऐसे लोगों का नाम ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है और इनके नाम पर ही जगहों के नाम रख रही है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष के बयान को मुद्दा बना लिया गया है और रानी कमलापति के अपमान को पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया गया है। जगह जगह गोविंद सिंह के पुतले जलाए गए और उनसे माफी मांगने को कहा गया। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में मन से कहा था कि रानी कमलापति को कोई नहीं जानता है, भाजपा ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों के नाम पर जगहों के नाम रख रही है। उनके इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस सिर्फ एक खानदान का नाम जानती है, वो भी गांधी नेहरू खानदान। उस खानदान के अलावा कांग्रेस के लिए कोई महापुरुष हुआ ही नहीं है। सीएम शिवराज ने कहा, रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू शासक थी, गौंड रानी थी, स्वाभिमानी थी। जब छल और कपट से उनको लगा कि दोस्त मोहम्मद खान की सेना जीत जाएगी तो उन्होंने छोटे तालाब में जल समाधि ले ली थी। छोटे तालाब और बड़े तालाब के पानी में आज भी उनके बलिदान की गूंज सुनाई देती है। शिवराज ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा ऐसे महान लोगों का अपमान किया है। ये दोबारा राजा महाराजाओं का राज लाना चाहती है। भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति, मतलब ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे, जिनने कभी सुने नहीं है हमने तुमने, वे निकाल के स्थापित कर रहे हो, इसलिए कर रहे। और फिर राजा रानी जो लगातार अत्याचार किए इन गरीबों पर, शोषित पर, दलितों पर, आम समाज के लोगों पर, उनको महिमामंडित करने का काम कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस तो केवल एक ही जानती है, एक ही नाम, गांधी खानदान, वो भी नेहरू खानदानी। उस खानदान के अलावा कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। मुझे आश्चर्य है कि रानी कमलापति अंतिम हिंदू शासक थी भोपाल की, गौंड रानी थी, स्वाभिमानी थी, स्वधर्म पर मरने वाली थी, सुशासन उन्होंने दिया, और जब छल से कपट से उनको ये लगा कि दोस्त मोहम्मद खां की सेना जीत जाएगी तो उन्होंने यहां जल समाधि ली थी छोटे तालाब में। ये छोटा तालाब बड़े तालाब के पानी में आज भी उनके बलिदान की गूंज सुनाई देती है। हम तो बचपन से पढ़ते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति, यहां के बच्चों ने पढ़ा है। ये कमला पार्क किसके नाम पर रखा गया, कांग्रेस बताए। कांग्रेस ने कभी भी क्रांतिकारियों का, देश के बाकी महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किया। नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल जी, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सब महापुरुष और क्रांतिकारियों को महिमामंडित करने का, उनके बलिदान को और उनके कामों को सामने लाने का प्रयास चला, और इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। केवल एक खानदान का नाम जपने वालों, कम से कम हमारी गौरव, आदिवासी भाई बहनों की गौरव, महिला रानी कमलापति का अपमान तो मत करो। तुमने तो उनके नाम पे कुछ किया नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही तो तकलीफ हो रही है। मैडम सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, क्या वो रानी कमलापति को जानती है? क्या कांग्रेस का यही दृष्टिकोण है? यह अपमान प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। यह अपमान एक प्रतापी महिला, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका अपमान है। हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और परंपराओं का अपमान है। इस अपमान को प्रदेश सहन नहीं करेगा, देश भी सहन नहीं करेगा।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह द्वारा रानी कमलापति को लेकर दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बयान कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता और आदिवासियों के साथ कांग्रेस द्वारा वर्षों से किए गए छलावे को दर्शाता है। पार्टी अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लिया और अपने बयान के लिए माफी मांगने की बात कही। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जिस प्रकार से कल रानी कमलापति जी के बारे में जिन शब्दों का उल्लेख किया है, ये केवल रानी कमलापति नहीं, गौड साम्राज्य की अंतिम हिंदू शासक जो लगातार इस भोपाल के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनका मात्र अपमान नहीं, पूरे आदिवासी गौड़ समाज का अपमान तो है ही, और जिन लोगों ने आदिवासी समाज की उस महान व्यक्तित्व ने जो इस देश के लिए काम किया है, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। और जिस प्रकार से आजादी के 75 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो जनजाति समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू को जब इस देश का राष्ट्रपति बनाया, तब भी अधीर रंजन जो संसद के अंदर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी आदिवासी समाज की बहन महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने का काम भी इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। दुर्भाग्य है, और मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया गांधी जी, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी आप बताइए, क्या आप नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के इस बयान से सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं है तो आदिवासी समाज, गौड़ संप्रदाय, आपको उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। गोविंद सिंह जैसे लोग जिन्होंने इतना घोर अपमान किया है, और एक कांग्रेस का हमेशा से चरित्र रहा है, हमेशा से करैक्टर कांग्रेस का यही रहा है, आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, क्रांतिकारी विरोधी कांग्रेस, जिन्होंने लगातार इस देश के लिए काम किया है, उन क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का अपमान करने का भी लगातार कांग्रेस काम कर रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।